Subscribe to our channel and press the bell icon for more videos on cancer care. The Thing About Cancer में आप सबका स्वागत है. हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रोहिणी पाटिल जी से. ये इस बातचीत का दूसरा भाग है. पहले भाग में डॉक्टर रोहिणी जी ने हमें बताया कैंसर के बारे में और इस भाग में वो हमें बताएगी प्रोस्थेटिक्स के बारे में. आइए सुनते हैं. और एक बात है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना, जो है प्रोस्थेटिक्स. तो मैस्टेक्टोमी के बाद में उपयोग में आने वाले प्रोस्थेटिक्स की बात जब होती है, अब आप बहुत प्रचार करती है, मैंने देखा है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, निटेड नॉकर्स के बारे में. इसके बारे में हमें थोड़ा ज्यादा बताइए. क्या होता है ना कि जब किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है, पुरुषों को भी होता है, ये जो सुन रहे हैं उनको ये मालूम रहना चाहिए कि पुरुषों को भी होता है ब्रेस्ट कैंसर, पर पुरुषों में बहुत मात्रा कम होती है, महिलाओं में ज्यादा होती है. और ये जब ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी की जाती है तो आजकल हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन करते हैं, यानी सिर्फ ट्यूमर निकाला जाता है, और दूसरा एक ऑपरेशन रहता है जिसमें हम पूरी तरह ब्रेस्ट निकाल देते हैं, और कभी रिकंस्ट्रक्शन होता है पर कभी कभी रिकंस्ट्रक्शन नहीं भी हो पाता है, कोई इम्प्लांट्स है, पर ये सब बहुत खर्चीली बात है. इस पे बहुत खर्चा लगता है, हर एक जन व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है. और जब मैं छोटे छोटे कस्बों में और गांव में जाती थी और वहां की महिलाओं को मिलती थी, तो एक कहीं तो भी उनके मन में शर्म रहती थी कि मैं किस तरह से बात करूं, पर अगर उनके साथ अगर खुल के बात की जाए तो जरूर पता चलता है कि उनको कहीं झिझक रहती थी समाज में जाने की. एक बार मैं एक छोटे गांव दारे का साथ एक डॉक्टर देवाशीष चटर्जी ने उनके साथ मिलके दिशा फाउंडेशन के लिए, मैं हर साल एक बहुत इंटीरियर दारे का साथ एक्सेलेंट एरिया है वो, वहां जाती हूँ कैंप लेने के लिए, हर मार्च महीने में जाती हूँ. तो वहां पे जब मैं गई तो एक पास के गांव से मुझे किसी कोई मिलने आया था, और वो लेडी 10 महीने ऑपरेशन के बाद घर के बाहर नहीं निकली, और सिर्फ मुझे मिलने आई थी ये जानने के लिए कि मैं अब आगे क्या करूं. मैं घर के बाहर ही निकल नहीं पा रही हूँ, साड़ी पहनती हूँ तो ब्लाउज का फिटिंग नहीं होता है, और सलवार कमीज पहनती हूँ तो ऐसा लगता है कि अगर दुपट्टा ऊपर चला जाए तो क्या होगा. और जब भी मैं किसी को मिलने जाती हूँ तो मुझे हर बार ऐसा लगता है कि वो कहीं ये भाग रहे हैं कि मैं, मेरे में कुछ अलग है, तो मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ. तो मेरे मन में हर बार ऐसा था कि अब मैं उनके लिए क्या करूँ. मैंने उस समय बहुत कुछ ट्राई किया था, अलग अलग प्रकार से कुछ ना कुछ बना लूं और इनको कंफर्टेबल करूं, पर वो जो मुझे चाहिए था वो मैं कर नहीं पा रही थी. और कहीं मैंने कप्स लिए थे, उसमें मैंने कुछ फोम भरा था, पर वो इतने राउंड रहते थे कि एक उम्र के बाद उतने राउंड ब्रेस्ट नहीं रहते हैं, तो वो कुछ एबनॉर्मल लगता था. एक ब्रेस्ट जो है उसका शेप कुछ अलग रहता था, और ये जो मैं बनाती थी वो कुछ अलग रहता था. और ऐसे ही इसमें एक ट्राइबल एरिया से महिला मुझे मिली. वो इसलिए मिली, वो मुझे बताने आई थी कि मुझे मेरा राइट साइड का स्तन निकाला गया है और मुझे यहाँ पे जख्म हो गई. तो मुझे समझाई नहीं कि जख्म क्यों हुई जब तक कि मैंने देखा नहीं. मैंने देखा और मैंने उनको पूछा, तो वो खेत में काम करने जाती थी और उसको कंफर्टेबल नहीं लगता था विदाउट एनीथिंग वो साड़ी पहन के ऐसे जाए और लोग उसकी तरफ लोगों को पता चले कि हाँ उसका एक ब्रेस्ट निकल गया है. तो उसने एक छोटा सा बैम्बू बास्केट वहां रखा था जस्ट टू क्रिएट अ माउंड वो गोल होने के लिए. और वो बैम्बू बास्केट का जो एज था, उसकी जो किनारे थे, उसके कारण वहां पे उसको इंजुरी हो गई. वो इंजुरी, वो जख्म का तो मैंने मलम पट्टी लगा के इलाज कर दिया था, पर उसके मन में जो जख्म हुआ था, मेरा मन बहुत बेचैन हो उठा.
कि मैं उसे किस तरह से मदद कर सकती हूँ। वो ही नहीं, पर ऐसी अनेक महिलाएं हमारे समाज में हैं कि वो एक they are living in a silence, not expressing, बता नहीं पाती है कि वो किस दौर से गुजर रही है। कीमो में जो बाल जाते हैं वो टेम्पररी है, पर जब ब्रेस्ट निकाल दी जाती है और रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो अफोर्डेबल नहीं रहता है तो ये परमानेंट हो जाता है। तो एक ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस, उसका एक सदमा वो लेडी को होता है, उसके बाद ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स उसको सहन करने पड़ते हैं, और उसके बाद ये परमानेंट एक लॉस हुआ रहता है उसका। और इसमें कहीं ये नहीं होता है कि उसके वो कहीं उस समय उसकी मानसिकता ही नहीं रहती है ये सोचने की कि मेरी सुंदरता चली गई, पर वो एक डिस्कम्फर्ट रहता है जो कभी वो बोल नहीं पाती है। और ये जब मैं सबसे मिल रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सिलिकॉन ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस इतने महंगे रहते हैं कि हम सबको नहीं दे सकते, तो सोच रही थी क्या करूं। और उसी समय जो मेरा 8 साल का बच्चा अभी बड़ा हो गया था और वो US में पढ़ने लग गया था, तो जब भी मैं उसको मिलने जाती थी, वो MS कर रहा था वहां पे, तो अनिकेत को जब भी मैं मिलने जाती थी तो मैं वहां के कैंसर सपोर्ट, ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप में जाके जरूर देखती थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं और मैंने यहाँ आके क्या करना चाहिए, वो किस तरह से बात करते हैं, कुछ अलग तरीका है क्या, क्या बताते हैं वो, किस तरह से सपोर्ट देते हैं, कहीं हम कुछ भूल तो नहीं रहे करने के लिए। तो उसी दौरान मुझे वहाँ के नेटेड नॉकर्स ऑर्गेनाइजेशन का पता चला, जो क्रोशे और निटिंग से ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस बनाते हैं, और वो 100% कॉटन का रहता है, वो वॉशेबल रहता है, सॉफ्ट रहता है, और बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि वो हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकता है, कस्टमाइज कर सकता है, तो उसमें फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहता है कि विद एज ब्रेस्ट सैग होती है, तो ये प्रोसेसेस सिलिकॉन प्रोसेसेस हम उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, पर हाँ ये नीटेड नॉकर्स जो हैंड क्राफ्टेड ब्रेस्ट प्रोसेसेस है उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ द रिमेनिंग द अदर ब्रेस्ट व्हिच इज देयर। तो ये मैंने वहां पे उनके फाउंडर से मैंने कांटेक्ट किया, बाबरा डेमोरेस से, और उनको बोला कि मैं तो निटिंग और क्रोशे स्कूल में ही छोड़ दी थी, उसके बाद मैंने कभी नहीं किया, तो मैं जहां हूं अभी वहां पे मुझे 1-to-1 सिखाने वाला कोई मिलेगा क्या? तो वो बोले कि नहीं, आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको आ जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कोई इन पर्सन सिखाने वाला चाहिए। बहुत ही अच्छी थी वो, उन्होंने मुझे एक डेल नाम के बहुत ही वंडरफुल लेडी आई वुड से, उनसे मुझे कनेक्ट किया और डेल ने मुझे सिखाया। और जितने भी दिन मैं मेरे बेटे के पास थी, मैंने वहां से यान लिया, कॉटन यान, और मैंने बनाया, और फिर मैंने डेल को दे के आई। और जब मैं निकल रही थी, मैंने बाबरा डेमोरेस जो फाउंडर है निटेड नॉकर्स ऑर्गेनाइजेशन की US में, उनको बताया कि मैं अभी एक हफ्ते में मैं आई एम गोइंग टू गो बैक एंड मैं वहां जाके ये शुरू करूंगी, और मेरे वहां के जो सर्वाइवर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो मैं वहां से आते समय उन्होंने मुझे एक बॉक्स भेजा, उन्होंने इतना ही कहा कि ये हमारे तरफ से आपको और आपके सहयोगियों को गिफ्ट। उन्होंने मुझे एक डब्बा भर के निटेड नॉकर्स भेजे थे जो मैं यहाँ आके शुरू लोगों को देना शुरू कर सकती थी। और यहाँ आके थोड़ा समय लगा मुझे 100% मर्सराइज कॉटन यान ढूंढने के लिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं जब नौकर तो ऐसा लगता है कि ये वूल का है, पर ये वूल का तो नहीं है, और पर ये 100% कॉटन का रहता है, और ये कॉटन से बना हुआ वॉशेबल रहता है, सॉफ्ट रहता है, और कस्टमाइज कर सकते हैं, तो लोगों के लिए ये यूज करना भी बहुत आसान होता है। और इससे एक चीज होती है कि उनको वो जो झिझक रहती है वो कम होती है, सेकेंडली कहीं ना कहीं बॉडी बैलेंस करने में भी इसकी मदद होती है।
तो ये जब मैं वापस लौटी तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है, और मेरी सिस्टर इन लॉ जो मेरी केयर टेकर थी, हम तीनों ने मिलकर ये शुरू किया, हमने बनाना शुरू किया और फिर लोगों में, सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने बांटना शुरू किया। जब मैं गुरुवार के रोज वहां जाती हूँ तो बहुत लोग आके वहां पे रुके रहते हैं और उन्होंने वो मुझे बोलते हैं कि वो जो एक डॉक्टर आती है ना जो हमें कृत्रिम स्तन देती है, इतना सुंदर उन्होंने कृत्रिम स्तन, ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया था। तो वो सभी लोग अपने फ्रेंड्स को बताती हैं और वो मेरे लिए राह दिखती रहती है। और वैसे ही सोशल मीडिया के थ्रू बहुत लोग कनेक्ट हुए, मेल भेजे उन्होंने, व्हाट्सएप से और या फेसबुक मैसेंजर पे मैसेजेस आते हैं तो हम उनको कुरियर भी करते हैं, पर ये सब हम फ्री ऑफ चार्ज करते हैं, इसके लिए हम कुछ भी नहीं लेते। और टीम से अब हम पूरे भारत भर में हमारे वॉलेंटियर्स हुए हैं, एक सब सेंटर बैंगलोर में है, एक सब सेंटर दिल्ली में है, और इतना ही नहीं कि जो भारतीय दुबई में रहते हैं वो लोग भी वहां से वॉलेंटियर करना शुरू करते हैं। तो ये जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं वी आर ट्राइंग टू गेट बैक दैट स्माइल, दैट कंफर्ट एंड दैट डिग्निटी टू द ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। बहुत बहुत सुकून मिलता है जब उनको देने के बाद उनके मैसेजेस आते हैं या उनको इन पर्सन जब देती हूँ तो उनके चेहरे पे का वो स्माइल और वो कंफर्ट और वो जो खुशी देखती हूँ। तो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो कह रही थी कि आपका ब्रेस्ट कैंसर जल्दी आपको मालूम पड़ा क्योंकि आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करती थी हर महीने, तो इसके महत्वपूर्ण के बारे में आप थोड़ा हमें समझाइए कि कौन कर सकता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और कब करना चाहिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महिला ने 20 साल की उम्र के बाद शुरू कर देना चाहिए और महीना आ जाने के बाद 7वें या 8वें दिन करना चाहिए, इसलिए कि जब महीना आता है, मेंसेस आते हैं तो ब्रेस्ट कहीं थोड़े टेंडर रहते हैं और उसके बाद वो टेंडरनेस कम होता है तो हम बहुत अच्छी तरह खुद को एग्जामिन कर सकते हैं। तो हर महिला ने 20 साल के बाद अपनी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना जरूरी है। पर ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के महत्व के बारे में काफी कुछ डिबेट चलता है कि ये सही में हमें कुछ फायदेमंद होती है या नहीं, पर मेरे लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण है। बल्कि अगर तुम रेगुलर मैमोग्राफी करो तो साइज जो ट्यूमर का रहता है वो बहुत कम साइज में हमको पता चलता है और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में जो पता चलता है वो थोड़ा बड़ा रहता है। पर ऐसे जगह जहां पे मैं जाती हूँ, पेरिफेरी गांव में, कस्बों में, तो वहां पे ये लोग रेगुलर मैमोग्राफी तो कर नहीं सकते और जब उनको पता चलता है तो वो इतने आगे बढ़ गई रहती है बीमारी कि उनके लिए एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट को एक फेवरेबल रिजल्ट मिलना नामुमकिन हो जाता है। तो हम अगर इन सबको एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाएं तो बहुत फायदेमंद होता है। और मुझे हर बार ऐसा लगता है कि हम अगर हर महीने में सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं तो हमको हमारे लिए नॉर्मल क्या है ये पता चलता है, तभी जाके थोड़ा भी डेविएशन होता है नॉर्मल से तो हमको, हम सबसे पहले व्यक्ति रहेंगे कि हमारे शरीर में कुछ चेंज क्या हुआ वो जानने वाले हम सबसे पहले व्यक्ति रहेंगे। तो ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना और सीखना और सिखाना ये मेरे लिए बहुत जरूरी समझती हूँ मैं। और हर एक व्यक्ति जब करता है तब उसको कहीं ना कहीं नोड्यूल नहीं, पर अगर उसको कहीं सिर्फ वहां पे गठान नहीं पर थिकनिंग, मोटा स्किन के अंदर का बाजू कहीं मोटा लगता है या निप्पल कहीं अंदर खिंचा हुआ लगता है या निप्पल से कहीं ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है तो ये सब चीजें, या ब्रेस्ट के ऊपर का स्किन कुछ अलग हो जाता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं और पूछे। रेगुलर ईयरली मैमोग्राफी ये बात तो अलग है, पर 20 साल के बाद सबने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। और मेरे लिए तो अर्ली डायग्नोसिस मेरा सेल्फ एग्जामिनेशन के कारण। डॉक्टर जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। अब हमारे देश में कैंसर के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं ज्यादातर लोग,
यहाँ तक कि जिन्हें कैंसर हो चुका है वो अपने परिवार वालों तक से इसके बारे में चर्चा करना या उनसे सवाल कोई पूछना, ये कोई झिझक सी महसूस होती है उन्हें। तो अभी जो हमारे दर्शक है, खासकर महिलाएं जिन्हें कैंसर हो चुका है और वो इसके बारे में किसी से बात नहीं कर पा रही है, उनको क्या सलाह देंगी आप? बहुत महत्वपूर्ण सा ये सवाल है। सबसे पहली बात कि ये महिलाएं बात नहीं करती है क्योंकि एक कहीं तो भी डर बैठा रहता है उनके मन में, दूसरा कहीं शर्म जुड़ी हुई रहती है ये ब्रेस्ट के कनेक्शन में, तो करके उनको बहुत ही झिझक होती है बात करने में और बताने में। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप ये झिझक ये डर मन से निकालो, जब तक कि आप आपके अपनों से या डॉक्टर से खुल के बात नहीं करोगे तो आपकी मदद किस तरह से की जाए। मदद तो सभी को लगती है और उसके लिए हमने खुल के बात करना बहुत जरूरी है, और हम किसके साथ बात कर रहे हैं ये भी बहुत जरूरी रहता है। जैसे गर्भाधान होती है तो घर के बाजू में जो उनकी सहेली रहती है उनको बताया जाता है, और फिर एक बहुत ही कॉमन डायग्नोसिस दिया जाता है कि नहीं ये तो दूध की गठान है, ये तो मुझे भी हुई थी, निकल गई। हाँ, आपको थी, आपकी निकल गई, पर जो सामने की व्यक्ति है जो आपको बता रही है उसको बताने वाला सिर्फ डॉक्टर ही है कि वो क्या है, वो कैंसर नहीं है या है, ये डॉक्टर ने बताना चाहिए। उसमें डरने वाली बात नहीं है या है, ये दोनों भी चीजें पता लगाने की बहुत जरूरी होती है। या जो उसमें से गुजर रहे रहते हैं उन्होंने अगर उनको क्या तकलीफ हो रही है, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं केयर गिवर से, वो अगर खुल के बात नहीं करते हैं तो तकलीफ में पेशेंट ही रहता है। एक तो ट्रीटमेंट से, दो एक सदमा बैठा हुआ रहता है कि कैंसर आगे मेरा क्या होगा, और उसके बाद अगर वो ये ना बताए कि केयर गिवर से उसके क्या एक्सपेक्टेशन है और उन्होंने क्या करना चाहिए, तो ये नहीं बताते हैं तो तकलीफ फिर उनको ही होती है। ये कहीं तो भी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, साइकोसोशल, ये सभी प्रकार की वेदनाएं उनको अनुभव होती है और फिजिकल पेन भी रहता है। तो ये अगर हम बहुत खुल के बात करते हैं और हम सबसे महत्वपूर्ण है कि हम मदद स्वीकारना सीखते हैं। ये कैंसर ने मुझे मदद स्वीकारना सिखाया है। पहले मुझे ऐसा था कि नहीं, जो है वो मैं ही करूंगी, पर कहीं ना कहीं कैंसर हमको सिर्फ दुख या टेंशन ही नहीं, बहुत कुछ नया सिखा के जाता है। कैंसर अपने को एक खुद के तरफ देखने की एक नई दृष्टि देता है। कैंसर अपनों को देखने की एक नई दृष्टि देता है। कैंसर इस दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। पर हाँ, ये सब के लिए आपने एक कि अगर आपको गठान है तो बोलना और बताना जरूरी है घर के लोगों को, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है जब आते हैं और थर्ड और फोर्थ स्टेज में आते हैं तो सबसे पहले उनके रिलेटिव का ये कहना रहता है कि इन्होंने तो हमको बताया ही नहीं, और उनको अगर पूछा गया तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि उनको कहीं शर्म थी कि मैं क्या बताऊं कि मेरे स्तनों में गठान है। पर इससे कोई फायदा नहीं होता है, और एक डर रहता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो डॉक्टर कुछ बता देगा। तो मैं हर बार ये बताती हूँ कि डॉक्टर वही बताएगा जो तुम रोजाना लेके घूम रहे हो अपने स्तनों में, नया कुछ डॉक्टर अपने आप से तो नहीं बताने वाला है। करके जो भी है देखना बहुत जरूरी है। इसी वजह से लोग स्क्रीनिंग के लिए भी नहीं आते हैं। अगर मैं अपने कैंप को एक जनरल चेकअप कैंप के नाम देती हूँ तो संख्या बहुत ज्यादा रहती है, और जहां मैंने उसके साथ कैंसर नाम जुड़ा दिया तो 75% लोग गायब हो जाते हैं, आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके मन में डर रहता है कि अगर मैं गई और कहीं गठान पता चले और वो कैंसर निकले, यानी मेरी जिंदगी। तो ये जो है महत्व का कि आप सब जाने, ब्रेस्ट कैंसर से डरे नहीं, लड़े।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोहिणी जी, आपने जो हमें बताया उसके लिए, और आपने हमारे साथ वक्त गुजारा आज और हमें ये सब बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये जो था ना, ये हमारे नीटेड प्रोसेसेस है, ये नीटिंग से बनाए गए हैं और इसके यहाँ पे यहाँ से हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा। और एज के साथ में ऊपर का फुलनेस कम हो जाता है ब्रेस्ट का, तो हम ये पीछे से इसका जो पॉलीफाइबर है वो निकाल के उसको नीचे करके, ये देखो ऊपर का फुलनेस कम हो गया, तो इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसको। तो ये अलग अलग साइज में आते हैं और ये निटिंग से बना है और ये क्रोशे से बना है। ये 100% कॉटन है, मर्सराइज कॉटन है, सॉफ्ट है, वॉशेबल है। मैं दिखाना चाहती थी कि कंफर्ट बहुत ज्यादा है इसमें, क्योंकि ये कॉटन है, कंफर्ट बहुत ज्यादा है और धोया भी जा सकता है और बहुत कम दाम में। मतलब आप तो कह रही हैं कि ये फ्री है आपके साथ और ये बनाने वाले लोग भी आपसे जुड़े हुए ही हैं। हाँ, वो सब वॉलंटियर्स हैं जो बना रहे हैं और मेरे ख्याल से ऐसे भी बहुत कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अभी हमको ज्ञान भी दे रहे हैं जी। तो पहले थोड़ा सा मुश्किल था, पर हाँ अभी कुछ लोग हैं जो हमको ज्ञान देते हैं और बाकी वॉलंटियर्स बनाते हैं और हम ये फ्री ऑफ चार्ज हम इसको गिफ्ट करते हैं जी। बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं आप लोग, और इसके लिए भी शुक्रिया, और हमारे साथ ये सब शेयर करने के लिए, हमें ये सब सिखाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोहिणी जी। और हम वी होप कि आगे चल के आपके साथ और कई एपिसोड्स करेंगे हम लोग, जहाँ पे आप हमें बहुत सी ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हुई छोटी बड़ी बातें आप सिखाएंगे और हमें बताएंगे, ताकि हम सब हमारे दर्शक को भी इसका बहुत फायदा हो। थैंक यू सो मच। आज हमें डॉक्टर रोहिणी पाटिल से बहुत कुछ सीखने को मिला। आइए चार मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। पहली बात, डॉक्टर ने हमें ये समझाया कि 20 साल की उम्र से हर महिला को महीने में एक बार ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या स्वयं परीक्षा करनी चाहिए। हम कैंसर को रोक तो नहीं सकते, मगर इसका हमें जितनी जल्दी पता लग जाए इलाज उतना ही आसान हो सकता है। दूसरी बात, हमें डॉक्टर ने ये समझाई कि सिर्फ एक डॉक्टर ही हमें बता सकते हैं कि हमें कैंसर हुआ है या नहीं, इसीलिए हमें स्क्रीनिंग टेस्ट्स के लिए बेझिझक जाना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने बताई कि मैस्टेक्टोमी के बाद हमारे उपयोग के लिए कई तरह के प्रोस्थेटिक्स मौजूद हैं, उनमें से एक है निटेड नॉकर्स जो कॉटन से बुने गए प्रोस्थेटिक्स हैं। ये हमें फ्री में दिए जा सकते हैं और ये धोए भी जा सकते हैं, और कॉटन से बनने के नाते ये बहुत ही आरामदायक भी होते हैं। आखिरी बात उन्होंने हमें ये समझाई कि कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए हमें अपनी प्रेरणा खुद ढूंढनी चाहिए। ये प्रेरणा हमारी परिवार वाले, हमारे बच्चे या हमारा काम भी हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे चलने वाले एपिसोड्स का भी आपको पता लगता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।